के बाद ना नजरे चुका के बात करना मुझसे। कम डेढ़ दो लाख की नौकरी होगी तो गुजारा होगा। क्या बोला तुमने? गुलाम नहीं हूँ मैं तुम्हारी। माने मुझे नहीं करनी कोई नौकरी। तो घर कैसे चले? शादी हो गई है तो गुलाम बन के रहूं तुम्हारी? मैं हमारी इज्जत पर दाग लगाया है ना तो तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। मेरी बात हेलो प्लीज प्लीज मुझे आके यहाँ से ले जाए। सुरैया और राशिद अपने मकसद में कामयाब होते हैं, आखिर वो निमरा को बदनाम कर ही देते हैं। निमरा का रिश्ता वजाहत से नहीं होता और अशरफ अर्शद से निमरा का निकाह पढ़वा देता है, लेकिन सुरैया निमरा से कहती है कि तुम्हें जॉब तलाश करनी होगी और कम से कम डेढ़ दो लाख की तनख्वाह होनी चाहिए, तभी ये घर चलेगा। क्योंकि सुरैया की फैमिली अब तक दूसरों के आश्रय ही चल रही थी, लेकिन निमरा जॉब करने से मना कर देती है। निमरा अपनी माँ को फ़ोन करती है कि वो राशिद के घर रहना नहीं चाहती, लेकिन समीन मजबूर होती है और वो उसे मना कर देती है। दूसरी जाने राशिद उसे बुरी तरह से ट्रीट करता है, लेकिन निमरा का उससे ये कहना मैं कोई तुम्हारी गुलाम नहीं। क्या मजबूर निमरा जॉब करेगी या फिर बाहर जाती है, वो सबसे अपना ताल्लुक तोड़ देगी। दूसरी जानब शहजाद वजाहत को समझाता है कि निमरा को बुलाकर तुम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। कैसे वजाहत अपना बदला लेगा और किससे लेने वाले?